हेलो दोस्तों, आज की वीडियो बताऊंगा ऐड कैसे बंद करें, मोबाइल स्क्रीन पर ऐड आना कैसे बंद करें, मोबाइल में ऐड्स कैसे बंद करें। इसके लिए आप गूगल के ऑफिशियल ऐप को ओपन करना है। ऐसे आप गूगल के ऑफिशियल एप्लीकेशन को ओपन करते हो, कुछ तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है। ऐड को बंद करने के लिए आपको टॉप पे प्रोफाइल लोगो देखने हो जाता है, आपको प्रोफाइल लोगो पर क्लिक करना है। ऐसे प्रोफाइल लोगो वाले ऑप्शन पर टैप करोगे, कुछ तरह का ऑप्शन आ जाएगा। मोबाइल स्क्रीन में ऐड आना बंद करने के लिए आपको यहाँ पर ऑप्शन होता है नीचे की तरफ सेटिंग्स, तो आपको सेटिंग वाले ऑप्शन क्लिक करना है। सर सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे एक न्यू पेज पेन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे ऑप्शन होता है प्राइवेसी एंड सेफ्टी, तो आपको प्राइवेसी एंड सेफ्टी वाले ऑप्शन क्लिक करना है। इसे टैप करोगे एक न्यू पेज पेन हो जाएगा प्राइवेसी एंड सेफ्टी। मोबाइल स्क्रीन में ऐड आना बंद करने के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन होता है ऐड पर्सनलाइजेशन कंट्रोल द इन्फो यूज फॉर एड्स, तो आपको इस पर टैप करना है। इसे टैप करोगे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन आ जाएगा पर्सनलाइज एड्स ऑन, अगर आपका ये ऑन होगा तो आपको इसको ऑफ कर लेना है। इसे इस पर टैप करोगे ऑन वाले ऑप्शन पर क्लिक, यहाँ पे आपको नीचे तरफ ऑप्शन आ जाएगा टर्न ऑफ, तो आपको टर्न ऑफ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसे आप टर्न ऑफ वाले ऑप्शन पर टैप करोगे यहाँ पे लोडिंग लेगा और आपका ये पर्सनलाइज एड्स टर्न ऑफ हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा पर्सनलाइज एड्स आर नाउ ऑफ, देन आपको गॉट इट पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ से बाहर आ जाना है, गूगल ऐप से बाहर आ जाने के बाद अब आपको गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। इसे आप क्रोम ब्राउज़र को ओपन करते हैं, कुछ तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है। गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको टॉप पे थ्री डॉट ऑप्शन है, आप थ्री डॉट पर क्लिक करना है। इसे थ्री डॉट ऑप्शन पर क्लिक करोगे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन आ जाएगा नीचे की तरफ सेटिंग्स, तो आपको सेटिंग्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसे आप सेटिंग वाले ऑप्शन पर टैप करोगे एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको नीचे तरफ आ जाना है, मोबाइल स्क्रीन में एड्स को बंद करने के लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन शो करता है साइट सेटिंग्स, तो आपको साइट सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसी आप साइट सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा साइट सेटिंग। एड्स बंद करने के लिए आपको नीचे तरफ आ जाना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन शो कर जाता है पॉपअप एंड रीडायरेक्ट, तो आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसे आप इस वाले ऑप्शन पर टैप करोगे यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगा पॉपअप एंड रिडायरेक्ट अलाउ होगा, तो आप उसको ऑफ कर लेना। ऑफ करने के लिए आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसे इस पर टैप करोगे ये ऑफ हो जाएगा, देन आपको बैक कर देना है। यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन शो कर जाता है इन थ्रू शिप एड्स, ये आपका अलाउ होगा तो आप उसको ऑफ कर लेना है। तो आपको इन थ्रू एड पर टैप करना है। इसे इस पर टैप करोगे यहाँ पर आपको ऑप्शन आ जाएगा इन थ्रू शिप एड एनी साइट यू विजिट कैन शो एनी एड टू यू, तो आपको इसको ऑफ कर लेना है। जिसे आप इस पर टैप करोगे ये ऑफ हो जाएगा। ऑफ कर देने के बाद अब आपको बाहर आ जाना है क्रोम ब्राउज़र से। अब आपको फ़ोन में एक एप्लीकेशन होगा सेटिंग, तो आपके फ़ोन के सेटिंग ऐप को ओपन करना है। इसे आप फ़ोन के सेटिंग एप्लीकेशन को ओपन करोगे, कुछ तरह ओपन हो जाएगा, देन आपको नीचे तरफ आ जाना है। यहाँ पर ऑप्शन होता है गूगल, तो आपको गूगल वाले ऑप्शन क्लिक करना है। इसे गूगल पर टैप करोगे, देन आपको यहाँ पर ऑप्शन होता है ऑल सर्विस, तो आपको ऑल सर्विस वाला ऑप्शन क्लिक करना है। जिसे आप ऑल सर्विस वाले ऑप्शन पर टैप करोगे यहाँ पे आपको नीचे तरफ आ जाना है। यहाँ पे ऑप्शन होता है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, इसके नीचे ऑप्शन शो करता है एड्स, तो आपको एड्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जिसे आप एड्स पर टैप करोगे यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगा डिलीट एडवर्टाइजिंग आईडी, तो आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जिसे आप डिलीट एडवर्टाइजिंग आईडी पर टैप करोगे यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगा डिलीट एडवर्टाइजिंग आईडी, तो आपको इस पर क्लिक करना है। इसे इस पर टैप करोगे आपका एडवर्टाइजिंग आईडी डिलीट हो जाएगा और आपके मोबाइल स्क्रीन पे और एड्स कभी भी नहीं आएगा। सो फ्रेंड्स, तरीके से आप मोबाइल स्क्रीन पर ऐड आना बंद कर सकते हो 2025 में परमानेंटली। सो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।